नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो के साथ। और आज हम पहुंचे हैं कैली रामपुर गांव के अंदर। यहां प्रीतम सिंह मावी जी के घर पे पहुंचे हैं और एक जो जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है और तीन ट्रैक्टर मैसी फर्गुसन लगातार चला रहे हैं। तो मैंने इनकी जो वीडियो बनाने का तात्पर्य है वो ये है कि आपको पता चले कि जो किसान खेती करते हैं मैसी फर्गुसन वाले, लंबे समय से मैसी से जुड़े हुए हैं। जो मार्केट के अंदर 10% है जो लंबे समय से मैसी फर्गुसन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की क्या राय है कि वे मैसी क्यों यूज़ करते हैं और मैसी कैसा है, क्योंकि इनका गन्ने का भी काम है और भी सारी चीज़ें हैं, तो लोड भी भरते हैं वैसे भी। तो और सारी जानकारी आपको भैया के द्वारा दिलवाएंगे। बाकी जो हमारे जो मेन आदमी है वे वहाँ पर बैठे हुए हैं, सतीश घूमी वाले जी, इनके ससुराल पक्ष में आए हुए हैं आज हम। बाकी जानकारी आपको इनके साथ ही दिलवाएंगे। तो किसान भाइयों, अब हम भाई से जानकारी लेते हैं और आपका परिचय भी कराएंगे इनसे। तो भैया जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को एक बार राम राम कर दो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसे आप मैसी फर्गुसन के जो तीन ट्रैक्टर यूज कर रहे हो जी, एक ये DI का है और ये दोनों सादे मैसी हैं। तो भैया, जो आपका इधर सबसे लास्ट वाला ट्रैक्टर है मैसी फर्गुसन 35, ये कौन सा मॉडल है? 95 मॉडल है। 95। हाँ जी। नंबर कहाँ का है ये? मेरठ का नंबर है। मेरठ का नंबर है, तो अपने लिए होंगे। हाँ जी। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने ये सेल नहीं करे आज तक, क्या कारण है इसका? बस सेल नहीं करते, बढ़िया काम कर रहे हैं, क्यों सेल करें? सादे ज्यादा तेल खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा काम करोगे वैसा तेल खाएंगे। गन्ने वन्ने खेच लाओ खेत में? सब कुछ काम करते हैं जी, पूरा। ट्रोली का गन्ना कितना वजन लेके आते हो? पूरा जितना भी भरोगे, रास्ते के अनुसार चलते हैं। नहीं, फिर भी लगभग कितना अंदाजा? 50-60 क्विंटल। 50-60 क्विंटल तो सही रास्ते में आराम से लेते हैं। ट्रोली फंस गई। अच्छा जी। हाँ जी, वो मैसी DI ना निकाल लिए, उसने निकाल ली। अच्छा, DI ट्रोली फंस गई थी गन्ने की और DI ने छोड़ दी थी और ये निकाला? ये निकाल के लाया जी वहां से। तो जैसे आप भी चलाते हो इनमें से कोई सा ट्रैक्टर? हाँ जी, सभी चला ले। अच्छा, मिक्स चला लेते हो दोनों भाई? तो कौन सा बढ़िया चलता है तीनों में से, सही बताइए ईमानदारी से? तीनों में जी यही चलता है बढ़िया। 97 मॉडल? हाँ जी। और ये कौन सा मॉडल है? 97 ना, ये 95 मॉडल है। ये 95। और ये 87 मॉडल है। 87 मॉडल है। ये भी नंबर यही का, मेरठ का है आपका ये? हाँ, मेरठ। तो इसका इंजन कितने बार करा दिया? इसका इंजन एक बार हुआ। एक बार? वैसे इसका डीजल खर्च और उसके डीजल खर्च में कुछ फर्क है? जैसे सादे हैं ना, सेम है, जैसा लोड गेरोगे वैसे डीजल खर्च है। आप मवाना मिल में गन्ने डालने जाते हो? हाँ। तो कितने किलोमीटर पड़ता है इसे? मवाना पड़ता है 20 किलोमीटर। कितना तेल खा जाता है एक ट्रोली पर? 50 क्विंटल की ट्रोली जाती है इसमें गन्ने 50 लोड फेर तो 5 लीटर में कर दे। 5 लीटर में। और ये जो आपका ट्रैक्टर है कौन सा मॉडल है? ये है 98 मॉडल। 98 इतनी साफ कंडीशन, क्या बात है, बड़ा अच्छा। इंजन हो गया इसका? नहीं जी, सब कुछ। बैरिंग वेरिंग भी ना तोड़े इसने एक बार भी? नहीं, कोई कड़ा पिनियन वगैरह कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सलेंसर में कोई मोबिल भी नहीं गिरा एक बार भी? दोस्तों, और यू भी नहीं तोड़ा? ये तो नहीं कह दे इसे कट तोड़ दे? ये नहीं तोड़ता, इसने तोड़ दिया। इसमें सादे में दिक्कत थी। अच्छा, ये तोड़ दे, ये नहीं तोड़ता। अच्छा, आप कितने एकड़ की खेती करते हो, सामने आ जाओ, मतलब कितने बीघे की खेती करते ये हो? बताएगा। 150 बीघे। तो 150 बीघे में कोई दिक्कत नहीं आती आपको? कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से करता हूँ। तो एक चीज और बताओ, कुछ किसान ये कहेंगे कि भाई हम तो 150 बीघे एक ही ट्रैक्टर से कर रहे हैं, तीन ट्रैक्टर रखने का क्या कारण है? एक भी आवश्यकता पड़ रही है, एक खेत जोत रहा तो दूसरे से गन्ना ले गए, मिल में भी बता रहे थे फर्स्ट मिल में चला गया तो दूसरा अपने यहाँ पर घर पर काम करता रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जब तीन दो भाई हो तो पिताजी भी थोड़ी मदद करते हैं, फंस जाता होगा तो लिख। अच्छा, कभी टू चैन भी करनी पड़े या ऐसे ही निकल जाए? कभी बरसात में मौसम खराब में फंस जाए तो करना सब काम पड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो काफी अच्छा लगा आपसे जानकारी लेकर। बाकी ताऊजी से जानकारी लेते हैं, वही चल के दोस्तों उनसे जानकारी लेते हैं और आपका परिचय भी करवाएंगे। काफी फेमस आदमी है हमारे क्षेत्र के। नमस्कार जी, एक बार हमारे दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम जी। राम राम साहब। अच्छा, जो आपके पास ये तीन मैसी फर्गुसन के ट्रैक्टर हैं, इनमें सबसे बेस्ट ट्रैक्टर कौन सा आपके लिए? ना सादा ही, हमें तो सादा ही पसंद है। सादे में कौन सा, जो पुराना है या 95 मॉडल? ना, ये पुराना मॉडल है। 87। उसमें ऐसी क्या चीज है जो सबसे पसंद आई हो आपको, सबसे ज्यादा की ये चीज में? नहीं, देखा जैसे लोड वोड पे जो ठाव है ना, जैसे अब तो ये दब जा ट्रैक्टर जो। अच्छा,
डीआई हुई आया भी बाद में जो मैसी आए हाँ जी और उन्हीं तक तो जो पहले पुराने मैसी है 82 मॉडल था पहले जो उससे पहले अच्छा जी उस आज तक याद करें वो तो बिल्कुल नहीं दबाया अच्छा वो अच्छा ट्रैक्टर था अच्छा बहुत बेटर तो लगभग जैसे आप इसे गन्ने वन्ने में यूज करते हो तो ट्रोली वाले लिखाड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती ना, ना, कुछ नुका है मैसी स्लिप मारे अजी नहीं क्या कह रहे सही सही बता दो कभी कोई ले चलावे ट्रोली अच्छा ट्रोली वीडियो देख के कोई मैसी खरीद ले नहीं नहीं 7-8 साल गन्ना गिरा होने दो अच्छा जी अब सेंटर पे गिर रहे हो मेल पे डाल अच्छा सेंटर पे डाल तो दोस्तों आपको जैसी भी वीडियो लगी हो और आप शख्सियत को पहचान रहे होंगे ये अपने ससुराल पक्ष में बैठे हुए हैं बाकी अपने मामा जी का आया हूं मैं नहीं मामा जी तो हमारे तुम लगो मम्मा जी के मम्मा जी बात जैसे भी है दोस्तों यहाँ जानकारी लगी तो धन्यवाद दोस्तों।